ये अपसाइड डाउन यूएसडी फॉक्स सस्पेंशन देखने के लिए मिल जा रही है, जो गोल्डन कलर में देखने के लिए मिल जाती है फ्रंट में। 286 mm का डिस्क मिल जाता है, डुअल चैनल एबीएस के साथ में आ जाता है। और नीचे में आपको जो है इस तरीके राउंड में आपको जो है डीआर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे लो की लाइट, यहाँ पे हाई की लाइट आपको नीचे चलने वाली है। 58,598 रुपये का आपको इसकी डाउन पेमेंट आने वाली। जो लाइटिंग की सिस्टम दी गई है वो आपको फुल एलईडी में देखने के लिए मिलने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीके बाइक। देख सकते हैं आपके सामने प्रेजेंट है होंडा की सीवी 300R, जो न्यू वाली वेरिएंट आपको यहाँ पे आई हुई है। 2024 की लेटेस्ट वाली मॉडल है यहाँ पे। और आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं इस बाइक की डाउन पेमेंट ईएमआई क्या होने वाली, जो टोटल डिटेलिंग फाइनेंस जो है वो आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसके अगर कंप्लीट रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर चेकआउट कर लेना, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी कंप्लीट रिव्यू करके मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने सब कुछ बताया कि इसकी माइलेज क्या होने वाली, टॉप स्पीड सब कुछ आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो जाकर के आप लोग चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, एक बार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना गाइस। बाकी आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बाइक की पूरी फाइनल डिटेल, जो लोन की जानकारी आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। डाउन पेमेंट और ईएमआई तीन से चार तरह की आपको, दो तरह की डाउन पेमेंट और तीन से चार तरह की आपको मंथली ईएमआई बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाइक की इन्फॉर्मेशन जो रिव्यू है और फाइनल डिटेल दोनों ही आपको वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर बाइक से रिलेटेड आप लोग को वीडियो देखनी हो। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर पहले मैं आपको थोड़ी सी फीचर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे दी गई है जो हेडलाइट, आपको फुल एलईडी का हेडलाइट सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे में आपको जो है इस तरीके राउंड में आपको जो है डीआर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे लो की लाइट, यहाँ पे हाई की लाइट आपको नीचे चलने वाली है। और यहाँ पे इंडिकेटर देख सकते हैं कि आपको एलईडी में ही आ रहता है, एलईडी का हेडलाइट और एलईडी की इंडिकेटर। यहाँ पे टेल लाइट जो है आपको एलईडी में देखने के लिए मिल जाती है, एलईडी में इंडिकेटर दी गई है। नंबर प्लेट का भी लाइट आपको फुल एलईडी का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। इसमें जो पूरी जो लाइटिंग की सिस्टम दी गई है वो आपको फुल एलईडी में देखने के लिए मिलने वाली है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसकी जो अभी मीटर दी गई है कुछ इस तरीके की, आपको फुल्ली डिजिटल में मीटर कंसोल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर पोजिशन, यहाँ पे जो है स्पीडो, आरपीएम, गाड़ी का टाइम, फ्यूल का यहाँ बताने वाला है, सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे फिलहाल जो है मैंने आपको इसकी थोड़ी बहुत जो है जानकारी दे दी है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि अपसाइड डाउन यूएसडी फॉक्स सस्पेंशन देखने के लिए मिल जा रही है, जो गोल्डन कलर में देखने के लिए मिल जाती है फ्रंट में। 286 mm का डिस्क मिल जाता है, डुअल चैनल एबीएस के साथ में आ जाती है फ्रंट में। और रियर में जो है 220 mm का आपको डिस्क देखने के लिए मिल जाता है। 150/60/17 की आपको टायर देखने के लिए मिल जाती है रियर में, और 110/70/17 की आपको टायर फ्रंट में देखने के लिए मिल जाती है। MRF की टायर आने वाली है, जो ट्यूबलेस टायर होने वाली है। और यहाँ पे जो है रेडिएटर वगैरह लग कर क्या रहा है, लिक्विड कूल सिस्टम आपको इसमें दिया गया है इंजन में। तो ये सब जो हो गई बाइक की फीचर्स मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो है ऑन रोड प्राइस क्या आने वाली है, क्योंकि प्राइस नहीं जानेंगे तो उसकी बात जो है डाउन पेमेंट और ईएमआई का आइडिया कैसे होगा। तो प्राइसिंग की अगर बात कर लूँ तो 2,79,500 रुपीज़ आपको इसकी ऑन रोड प्राइस आने वाली है पटना बिहार में। उसके बाद अगर इसकी लो डाउन पेमेंट की बात कर लूँ, जिनकी सिविल स्कोर अच्छी हो, 750 से प्लस हो, उनके लिए जो डाउन पेमेंट आने वाला है गाइस 52,598 रुपये का आपको इसकी डाउन पेमेंट आने वाली है। यानी कि 52,600 के लगभग जो है आपको डाउन पेमेंट आने वाली है इस बाइक की, जो लो डाउन पेमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद अगर ईएमआई की बात कर लूँ तो 24 मंथ के लिए अगर लोन करवाते हैं तो उसकी जो ईएमआई है 11,571 रुपीज़ आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है 24 मंथ के लिए। 36 मंथ के लिए अगर लोन करवाते हैं तो उसकी जो ईएमआई है 8,242 रुपीज़ आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है 36 मंथ के लिए। और लास्ट यहाँ पे एक और बता दूँ कि 48 मंथ का अगर लोन करवाते हैं तो उसकी जो ईएमआई है 6,595 रुपीज़ आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है 48 मंथ के लिए गाइस। तो यहाँ पे जो है एक डाउन पेमेंट यहाँ पे मैंने बता दी और ईएमआई कुछ इस तरीके की। अब बात करते हैं कि सेकंड डाउन पेमेंट अगर कोई ज़्यादा डाउन पेमेंट करना चाहते हैं या जिनकी जिन्होंने फर्स्ट टाइम लोन लेने का सोचा है, उनके लिए क्या डाउन पेमेंट आएगी। तो अभी जो है अगर एज आपकी 21 प्लस हुई है और फर्स्ट टाइम लोन लेना चाहते हैं तो उसका जो डाउन पेमेंट है वो मैं आपको बता दूँ कि 1,01,598 रुपये आपको इसकी डाउन पेमेंट आने वाली है। जो लोग फर्स्ट टाइम लोन लेना चाहते हैं या जिनकी सिविल स्कोर थोड़ी सी कम है और जिनकी एज 20 प्लस हुई है, फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, उनके लिए ये डाउन पेमेंट मैं बता रहा हूँ कि 1,01,598 रुपये आपको इसकी डाउन पेमेंट आने वाली है। अब उसके बाद ईएमआई की अगर बात कर लूँ तो 24 मंथ के लिए अगर लोन करवाते हैं
तो 9200 के आसपास जो है आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है, यानी कि 9200 का आपको मंथली ईएमआई आने वाला है 24 महीने के लिए। और वहीं पे अगर आप इसे 36 मंथ यानी कि 36 महीने के लिए लोन करवाते हैं तो उसकी जो ईएमआई है 6552 रुपीज़ आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है 36 मंथ के लिए। और यहाँ पे लास्ट जो है, लास्ट 48 मंथ के लिए अगर लोन करवाते हैं तो उसकी जो ईएमआई है 5259 रुपीज़ आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो 48 मंथ का लास्ट ईएमआई है 5249 रुपीज़ आपको इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। तो यहाँ पे एक डाउन पेमेंट बताई गई है और एक जो डाउन पेमेंट और ईएमआई है आपको इधर बताई गई है, तो दो डाउन पेमेंट और ईएमआई आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से देख सकते हैं। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाली है। तो डॉक्यूमेंट में आपको जो लगने वाला है, अगर लोन करवाने आ रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट लेकर के आनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, दो फोटो, एटीएम, बिजली बिल का स्लिप, ये सब चीज़ें लेकर के आनी होगी तो आपका जो लोन का प्रोसेस है वो इजी वे में हो जाएगा। और यहाँ का जो एड्रेस है वो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिल रही होगी। बाकी अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट कर लेना, यहाँ पे मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। कोई भी जानकारी अगर छूट गई होगी तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, या फिर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर चेकआउट कर लेना, स्क्रीन के ऊपर जो है आपको इंस्टाग्राम का नाम देखने के लिए मिल रहा होगा, तो एक बार इंस्टाग्राम पर जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के अपडेट देखने के लिए, क्योंकि बाइक की रिव्यू और फाइनल डिटेल दोनों ही आपको जो है वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।